नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर वन चैनल जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आशीष प्रमोद गोस्वामी। दोपहर के 2 बज चुके हैं और 2 बजे की इस वक्त की बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। 12 संसदीय सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 33.73% मतदान हुआ है। गंगानगर में 40.72%, बीकानेर में 32.90%, चूरू में 37.38% की वोटिंग दिखाई दी है, झुंझुनू में 29.04%, सीकर में 31.66% मतदान हुआ, जयपुर ग्रामीण में 32.54%, जयपुर शहर में 39.35%, करीब 40% के आसपास पहुंचा आंकड़ा, अलवर में 36.08%, भरतपुर में 31.50% हुआ है। इसके साथ ही आपको करौली धौलपुर का भी बता देते हैं, 28.32% मतदान हुआ है, दौसा में 31.33% मतदान और इसके बाद केवल नागौर सीट बचती है, 33% यहां पर वोटिंग हुई है। मेरे सहयोगी काशीराम मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे काशीराम का रुख करते हैं। काशीराम, दोपहर 1 बजे के हिसाब से ये आंकड़ा बहुत ही शर्मनाक है और वाकई इस बार लोकसभा चुनाव में जितनी उम्मीद की गई थी उससे कम वोटिंग है, कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्या हो सकता है अब? जी हार्दिक, आपने ठीक कहा, दोपहर 1 बजे तक जो आंकड़े हैं मतदान को लेकर वो धीमी गति का मतदान कहते हैं कि बहुत कम मतदान हो रहा है। हालांकि जयपुर शहर में अपेक्षाकृत रूप 40% से ज्यादा मतदान हुआ है तो वो कहीं ना कहीं संतुष्टिजनक है, लेकिन अगर दूसरे जिलों की बात करें हम, जैसे धौलपुर है, दौसा है, तो इन जिलों में काफी कम मतदान है अपेक्षाकृत से, और इससे ये आशंका भी लग रही है कि क्या पिछले का जो लोकसभा चुनाव का आंकड़ा था उतने परसेंट तक होगा मतदान। हालांकि अब अगर इस वक्त हम जहां पर हैं, हम जयपुर शहर के घाटगेट इलाके में नवाब का चौराहा ये इलाका है, आसनगर विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहां पर अगर देखेंगे कि करने के लिए उनकी भीड़ लगी, और हालांकि थोड़ी देर पहले यहां पर आदर्श वो भी आए थे और उन्होंने भी ये शिकायत की थी कि से मतदान रहा, उसी वजह से लोगों को कतार में लगना पड़ रहा है, उनको इंतजार करना पड़ रहा है वोटिंग के लिए, तो उस तरह की यहां पर नजारा देखने को मिल रहा है। लोगों ने उत्साह जरूर है वोटिंग को लेकर, लोग वोट करना चाहते हैं। ठीक है, काशी में लौटूंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं उसको सही करके एक बार आपका रिएक्शन में लूंगा, लेकिन दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, रफ्तार धीमी है वोटिंग की, गंगानगर आगे दिखाई दे रहा है 40.72% के साथ में, पिछली बार भी गंगानगर ही टॉप पर था, 77.00% वहां पर वोटिंग हुई थी। गंगानगर तो आगे है, बाकी पीछे क्यों है, क्या गर्मी ज्यादा है बाकी जगहों पर, क्या स्थिति क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए 5 घंटे का भी तो, हालांकि कह सकते हैं 4 घंटे का भी समय है, क्षमा चाहता हूं, 6 बजे तक पोलिंग होगी, जो मतदाता मतदान केंद्र में पहुंच जाएगा वो वोट करके ही बाहर निकलेगा, पिछले यानी कि जो लास्ट मतदाता रहेगा उसको 1 नंबर का टोकन दे दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं जो सुबह आपको एक रुझान दिख रहा था कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ सकता है, मतदाताओं में क्रेज दिख रहा था, जो नवाचार किए गए थे उसका एक थोड़ा इम्पैक्ट दिख रहा था, लेकिन अब मतदान केंद्र सूने हैं, लेकिन जिस मतदान केंद्र पर मैं खड़ा हूँ वो तो सुबह से सूना है, नौ मतदान ऐसे चुनाव हुए वो तब से सूना पड़ा है, ये सभी इंतजार कर रहे हैं कि मतदाता आएँ, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर मेडिकल स्टाफ से भी बैठी हैं कि गर्मी किसी को लू लग जाए तो शायद ORS या मेडिसिन दे दें, वो भी इंतजार कर रही हैं। लेकिन जब मतदाता ही यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, और मतदाता क्यों नहीं पहुँच रहा है, उनका गुस्सा है कि उनको फिर से इस गाँव वालों को फिर से बस्सी जो है उसमें शामिल किया जाए। परिसीमन के बाद मतदान केंद्र की मैं तस्वीरें दिखा चुका हूं, ये पालावाल जाटान है, यहाँ पर 1300 के करीब मतदाता हैं, एक भी वोट कास्ट यहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ के PRO हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कितने मतदाता हैं, कितने उन्होंने वोट कास्ट किया, हमारे साथी हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये जो सभी लोग हैं, पोलिंग पार्टी है PO 1, 2, 3, 4, कितने मतदान करवा दिया सर? सर अभी तक 7 बजे से मतदान प्रारंभ हुआ, लेकिन एक भी मतदाता ने मत का प्रयोग नहीं किया है। अच्छा, कोई नहीं आया यहाँ पर? जी सर। अच्छा, क्यों ऐसा पता चला, क्यों नहीं आए? ग्रामीणों के कथनानुसार एवं BLO के कथनानुसार ये ज्ञात हुआ है कि यहाँ लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। कारण ये बताया गया है कि परिसीमन में यहाँ की पंचायत समिति तुंगा में इन ग्रामवासियों को जोड़ा गया, जबकि ये बस्सी ग्राम पंचायत के माध्यम से बस्सी पंचायत समिति में रहना चाहते हैं, ऐसा BLO के माध्यम से और अन्य कर्मचारियों के माध्यम से। सुबह से इंतजार कर रहे हो मतदाता होगा? 7 घंटे हो गए सर।
बिल्कुल बिल्कुल, साथ मेरे साथी भी हैं, क्या कुछ यहाँ का मसला है, क्यों लोग नहीं आते यहाँ मतदान करने? जी बिल्कुल, मैं बता दूँ, यह बस्सी पंचायत समिति में जुड़ा गया था, जो इनको परिसीमन के दौरान तुंगा में जोड़ा गया है। वैसे लगभग 9 बार बहिष्कार कर चुके हैं ग्रामीण, और इस बार दोपहर 2 बज चुके हैं, अभी तक एक भी मतदाता वोटिंग करने नहीं आए हैं। वहीं 2 गाँवों में एक एक वोटिंग हो चुकी है, और पलावाला जाटान में अभी तक एक वोटिंग नहीं हुई है। लेकिन बात इनकी जायज भी है, देखे जाए तो बस्सी यहाँ से 5-7 किलोमीटर है, वहीं तुंगा 12-13 किलोमीटर है। लगातार ग्रामीणों ने नेताओं से, कलेक्टर, प्रशासन सबसे वार्तालाप हुई, लेकिन सफल नहीं हुई। ग्रामीणों की एक ही मांग है कि हमारे को वापस बस्सी जोड़ा जाए, ये इनकी मांग है। ठीक है, जोड़ा जाए, बस्सी नजदीक पड़ता है, 3 गांव का मसला है यहाँ पर। ठीक है, तीनों गांव के पास फिर से लौट कर आएंगे। जो तस्वीरें इस वक्त आपने दिखाई और जो हकीकत आपने समझाई, उस हकीकत को लेकर एक बार अपने मेहमानों का रुख करते हैं। मेरे साथ कृष्ण कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। इसी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जी भी हैं, और पंकज शर्मा जी हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले कृष्ण कुमार जी, दीपक जी को आप सुन रहे थे, अभी आपने सुना बस्सी वही इलाका जो आता है वैसे तो दौसा लोकसभा सीट में, इस बार कन्हैयालाल मीणा को वहां से टिकट मिला है। कम वोटिंग परसेंटेज का मतलब आप समझते हैं एंटी इनकम्बेंसी? क्या एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी हार गए थे वो? देखो, पूरे राजस्थान के वोटिंग का अगर नैरेटिव देखा जाए तो पहले 3 घंटे में जो मतदान हुआ था, अंतिम 3 घंटे में भी उतना ही मतदान होने की संभावना है। ठीक है, और जहां आप बात कर रहे हैं कि कम मतदान होना एंटी इनकम्बेंसी है, अभी तो सरकार ने अपनी स्थापना के 100 दिन पूरे किए हैं, सरकार राज्य सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और मोदी जी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के विषयों पर मोदी जी ने कमिटमेंट किया था 14 और 19 में, उनको पूरा किया है, और जो अभी 24 के कमिटमेंट हैं जिसको हम संकल्प पत्र बोल रहे हैं, उनको भी हम पूरा करेंगे। 2047 के विजन पर हम काम कर रहे हैं, और जहां हमारे सामने जो इंडी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, उनका ना तो नेतृत्व फिक्स हुआ है कि कौन नेता होगा, ना उनका मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना है, सबके अपने अपने घोषणा पत्र आए हैं। कृष्ण कुमार जी, ये आप लोग इंडी कह के संबोधित क्यों करते हैं इंडिया गठबंधन को, इस पर भी मैं आपका रिएक्शन लूंगा, बने रहिए। लेकिन हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत कर लेंगे, उसके बाद कृष्ण कुमार जी लौटूंगा मैं आपके पास, और आपके तर्क कुतर्क पर भी बात होगी। शशि, जिस प्रकार से वोटिंग हो रही है, 2 बजे तक का समय इस वक्त हो गया है, 1 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं, जितनी उम्मीद थी क्या उससे बेहतर या उससे कमतर क्या नजर आ रहा है, किस प्रकार की वोटिंग इस वक्त राजस्थान पहले फेज में 12 सीटों पर हो रही है? आशीष, ऐसा लग रहा है कि सूरज तेज है, और सूरज की इस तपिश में वोटर का पूरा आशीष ईवीएम पर नहीं है, निगाहें कर्म नहीं होने के चलते ईवीएम का बटन कम दब रहा है, और यही कारण है शायद कि दोपहर 1 बजे तक तकरीबन 74%, हालांकि उसमें भी चौथाया फीसदी घट रहा है, 33.73% तक ओवरऑल एवरेज पहुंचा है 12 संसदीय क्षेत्रों का, और ये एक बहुत ही औसत से नीचे के दर्जे का वोटिंग कही जा सकती है। कारण क्या है ये समझना होगा, और इसका असर क्या होगा ये भी देखना होगा। हालांकि बेचैनी दोनों ही तरफ है, लेकिन बीजेपी ज़्यादा विचलित दिख रही है वोटिंग परसेंटेज कम होने से, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता, ऐसा माना जाता है कि बीजेपी का वोटर जो है वो थोड़ा लग्जरी का आदि हो गया है, और वो देखता है कि क्या उसके वोट से असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, और जब बड़े बड़े मार्जिन से बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं तो कई बार वोटर को लगता है कि क्या फर्क पड़ेगा, उसका वोट नहीं भी कास्ट होगा तो, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यही कारण है कि बीजेपी ने नारा दिया पहले मतदान उसके बाद जलपान, हालांकि कई जगह जो कामकाज की जिम्मेदारियां हैं तब से दौसा ही चिपका पड़ा है, प्रभावित हुई है, लोग नीचे कहां पे गया, वो नीचे वाला अभी बदला है, इसको बदलते रहे, लोग पहुंच नहीं पाए हैं। और साथ में एक गुजारिश ये भी कि थोड़ी देर में हमारी टीम के भी कई लोग वोट डालने पहुंचेंगे, और इसलिए वो अपने अपनी पोलिंग बूथ से तस्वीरें दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि उनके पोलिंग बूथ पर क्या नज़ारा है। हालांकि मुझे भी वोट डालना था, सुबह 7 बजे ही वोट डालने जाने की मंशा थी, लेकिन दूसरी जगह पहुंचना था, मुख्यमंत्री की कवरेज थी और दूसरे जो कवरेज थी वहाँ पर पहुँचना हुआ, इस लिहाज से वोट नहीं डाला जा सका अभी। लेकिन पूरे प्रदेश के लिहाज से बात करें तो पहले चरण में मतदान प्रतिशत का ये रफ्तार, ये औसत धीमा कहा जा सकता है, और ये
बीजेपी की चिंता बढ़ा सकता है, लेकिन पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराई जाए और पिछली बार का जो टारगेट था वोटिंग प्रतिशत था उसको पार किया जाए। अगर उसको पार करते हैं तो बीजेपी हो सकता है थोड़े आत्मविश्वास में दिखाई दे सकती है, लेकिन पार्टी इस बात को लेकर चिंतित है कि वोटर को घर से निकाला जाए, वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए। आपको ध्यान होगा भारत निर्वाचन आयोग ने भी पूरी कोशिशें की है, पोलिंग बूथ पर छाया का इंतजाम किया है, पानी का इंतजाम किया है और वोटर को पहुंचने में सहूलियत हो इसका भी ध्यान रखा गया है। और हालांकि अभी ये वोटिंग प्रतिशत हमको दिख रहा है 34 के तकरीबन, लेकिन थोड़ा वोट जो तकरीबन कह सकते हैं 1% से कुछ कम वोट वो सर्विस वोटर्स का है, वो जो घर बैठे लोग वोट डाल चुके हैं उन वोटर्स का है। शशि मोहन, वो भी एक हिस्सा इसी जी जिस तरह की आपकी परिस्थिति बनी है कि प्रोफेशनल मजबूरियों के चलते आप सुबह वोट डालना चाहते थे लेकिन अभी तक नहीं डाल पाए, क्या आपका ऐसा मानना है कि आपके जैसे बहुत से लोग होंगे जो शाम 6 बजे से पहले तक का इंतजार कर रहे हैं और ये जो वोटिंग परसेंटेज अभी हमें थोड़ा मायूस कर रहा है वो हमें उत्साहवर्धन करे और शाम तक आपके जैसे लोगों की संख्या बढ़े और ये वोटिंग परसेंटेज 70-75 तक पहुंच जाए, इसकी कोई संभावना? देखिए इसकी संभावना तो प्रबल है, लेकिन हाँ। जैसे शाम ढलेगी 4 बजे के बाद उम्मीद की जा सकती है कि 5 से 6 के बीच आप जो नजारा देखेंगे पोलिंग बूथ का वो लंबी कतारों वाला हो सकता है। और जैसे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि जो व्यक्ति 6 बजे तक पहुंच जाएंगे पोलिंग बूथ पर जिस दरवाजे के भीतर दाखिल हो जाएंगे उन सबको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी की हार्दिक मंशा यही होगी कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े, लेकिन कितना प्रयास बीजेपी का कार्यकर्ता कर पाएगा? आप देखिए हमारे कई साथी हैं, मसलन शायद सुमित गुप्ता भी वोट अपना कास्ट नहीं कर पाए होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक दूसरी सुविधा भी दे रखी है, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि इस सुविधा का उपयोग कितने लोगों ने किया कि मीडिया कर्मियों को भी आवश्यक सेवा मानते हुए उन्हें ये छूट दी गई थी कि अगर आप कहीं अपने गृह जिले से दूसरी जगह पर तैनात हैं तो आप अपना समय लिखवा दीजिए, आप उस संसदीय क्षेत्र में जाकर के अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और उसके लिए आपको बाकायदा बैलेट पेपर इशू किया जाता है। विधानसभा चुनाव से ये प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन ये वोटिंग प्रतिशत जो कम हो रहा है क्या इसे लोकतंत्र के प्रति लोगों की मायूसी रुझान में कमी माना जाए? क्या ये माना जाए कि बड़ा चुनाव है, संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तो मैन टू मैन कनेक्शन नहीं हो पाता है, एक प्रत्याशी हर वोटर को नहीं छू पाता है और उस तक पहुंच नहीं हो पाई तो क्या उस कारण से वो नीरस हो गया है और उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है? कई पहलू होते हैं इस चीज़ के। हालांकि ECI ने भी कई प्रयास किए हैं, जिस तरीके से पहले पचास वोटर को रिझाने के लिए स्क्रैच कार्ड गिफ्ट और जो नगर निगम है वहाँ कहा गया है कि आपको पार्किंग फ्री दी जाएगी, वोटर शाही का निशान दिखाएंगे तो इस तरह की चीजों से वोटर को उत्साह तो बढ़ाया जा सकता है लेकिन उसे पोलिंग बूथ तक पहुंचना जरूरी ठीक है। शशि मोहन, आपकी इसी बात को लेकर के हमारे जितने गेस्ट बैठे हुए हैं उनके पास चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त मिथिलेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मिथिलेश जी, आपने शशि मोहन को सुना, कुछ लोग प्रोफेशनल मजबूरियों का जिक्र करते हैं, कुछ लोग गर्मी का जिक्र करते हैं, तपिश का जिक्र करते हैं, कुछ लोग जातिगत समीकरणों का जिक्र करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो मुद्दों का चुनाव ही नहीं है। रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन कम मतदान प्रतिशत, एक पत्रकार के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा साइन नहीं है कि उसके भाग्य निर्धारक नीरस हो जाए। हाँ। और इलेक्शन कमीशन ने भी पूरी मूवमेंट क्रिएट किए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जनता को समझना पड़ेगा एक वोट की अहमियत क्या होती है। जी। एक वोट की अहमियत डॉक्टर CP जोशी से पूछा जाए कि वो कैसे विधानसभा का चुनाव हार गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा जाए, तो लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मतदाता एक एक वोटों की अहमियत समझे। और सबसे बड़ी बात है इस बार के चुनाव में कि जिस तरीके से दौसा संसदीय क्षेत्र, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद इतिहास में पहली बार, दौसा के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया और उसके बावजूद वोटरों का उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है, ये एक चिंता का विषय बीजेपी के लिए हो सकता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या कोई साइलेंट मैसेज, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कहीं कहीं बोल रहे हैं कि साइनिंग इंडिया, जैसा जैसा सचिन पायलट ने बोला कि साइनिंग इंडिया की बात कर रहे थे और नीचे से जमीन खिसक गई थी, क्या उसकी तरफ तो साइन नहीं है? लेकिन सबसे अहम बात है
कि आज के दौर में जो पूरी दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वार की भी चर्चा लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में हुआ है, रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ है, ऐसे में अगर भारत का मतदाता, अगर मतदाता घर से नहीं निकलता और एक सशक्त सरकार का चुनाव नहीं करता है, तो जिस भारत को विकसित देशों की श्रेणी में ले जाने का सपना हमारे नेताओं ने देखा है, उस पर भी ब्रेक लगेगा। तो सबसे अहम बात है कि वोट जरूर डाले। ये मिथिलेश जी, ये अपील हम लगातार कर रहे हैं, आप भी अपील कर रहे हैं कि वोट ज्यादा से ज्यादा डालें।